अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू जावा एप्पल। आज की वीडियो में हम स्प्रिंग बूट रेडिस पे डिस्कस करेंगे कि रेडिस है क्या और रेडिस कैसे कैसे यूज़ की जाएगी स्प्रिंग बूट के अंदर। इसी वीडियो को हम ओल्ड इंग्लिश में भी बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की तो उर्दू में बनाएं, तो आज हम उर्दू में बनाने लगें। तो हम इसमें देखेंगे किस तरीके से रेडिस काम करती है और उसके बेनिफिट क्या हैं। शुरू करते हैं। रेडिस बेसिकली क्या है? इन मेमोरी डेटाबेस है बेसिकली, और बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ज़्यादातर इसको हम कैशिंग की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवी डेटा हो और उसको स्ट्रीम करना हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि कैशे के तौर पर भी, स्ट्रीमिंग इंजन के तौर पर भी, और मैसेज ब्रोकर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। तो इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इन मेमोरी में होता है, और उसके अंदर बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, हैश टेबल है, लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है। ये तमाम के तमाम जावा के कलेक्शंस हैं जिनको आप रेडिस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंट का मतलब होता है स्टोरेज इनटू द फिज़िकल स्टोरेज, ठीक है। तो जब भी हम कैशिंग की बात करते हैं, इन मेमोरी की बात करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है सर्वर के ऊपर कोई ना कोई कैश बन रही होती है, और जब कैश बन रही होती है सर्वर पे, तो फिर उसके बाद उस पर सर्वर पे लोड भी पड़ रहा होता है। तो कैशिंग करते हैं हम इसीलिए ताकि हमारा जो है फास्ट डेटा रिट्रीवल हो जाए, ठीक है। क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास चार टेबलों से डेटा उठ के आ रहा है और उसको ज्वाइन लग रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हैं और एक दो मिनट लगते हैं, तो आपको वो डेटा बार बार अगर चाहिए, या ख़ास तौर पर लुकअप टेबल्स, जैसे कि ऐसे टेबल जिनमें डेटा जो है वो एक दफ़ा डाला जाता है, बार बार नहीं डाला जाता, जैसे कि ऑर्डर टाइप, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास शिपिंग टाइप और मुख्तलिफ़ किस्म की जो जैसे कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, इस तरीके से जो डेटा होता है वो आपके पास एक ही दफ़ा में स्टोर किया जाता है, तो इसको बार बार डेटाबेस से उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम कैशिंग यूज़ करते हैं। तो कैशिंग जो होती है वो मेमोरी के ऊपर लोड, सर्वर के ऊपर लोड डालती है। तो ये वो रेडिस एक ऐसी मेमोरी, इन मेमोरी डेटाबेस है जो कि डीबी में भी अपने पास एक डीबी रखती है, उसके अंदर डेटा स्टोर करके रखती है। तो ये इसकी एक ब्यूटी है, इस वजह से रेडिस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि आपका डेटा सर्वर रीस्टार्ट होने पे लॉस नहीं होगा, बल्कि वो आपके पास कहीं ना कहीं फिज़िकली स्टोर भी होता रहेगा। और ये पीछे उसका मैकेनिज़म है, आपको वो इन मेमोरी ही सारा देगी, लेकिन पीछे वो डेटा अपने पास स्टोर करके डीबी में भी रखेगी। इस तरीके से क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेसेस हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, और उसको आप स्केल भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली स्केल का मतलब है कि, यानी कि आपने चार पाँच सर्वर लगा के आपने एक पूरा क्लस्टर तैयार किया और उसके अंदर मुख्तलिफ रेडिस के इंस्टॉलेशन कर दिया और उनको कनेक्ट कर दिया, तो अब आपका डेटा जो है डिफरेंट जो सर्वर्स के ऊपर रेप्लिकेट भी हो रहा होगा। वो उसका काम है कि कैसे वो रेप्लिकेट कर रहा होता है और कैसे वो डेटा आपको हाई अवेलेबिलिटी से आप हासिल कर सकते हैं। क्लस्टरिंग से हाई अवेलेबिलिटी आप हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो डेटा होगा वो मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर होगा, मैनेज होगा। अगर कोई सर्वर डाउन भी हो जाता है तो आपका डेटा डाउन नहीं होगा। तो यही बात हाई अवेलेबिलिटी में भी लिखी हुई है उन्होंने, कि हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर फेल ओवर हो जाता है कोई भी उसके ऊपर, तो ये काम करेगा। तो ये कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। रेडिस का इंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है? रेडिस का इंटरप्राइज, रेडिस की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, तो रेडिस के ऊपर उन्होंने ये दिया हुआ इंटरप्राइज क्लस्टर आर्किटेक्चर, उसमें उन्होंने यही चीज़ बताई हुई है कि आप इसको स्केल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और इसका जो है क्या नाम है, डेटा रेप्लिकेट हो रहा होता है, और इससे हाई अवेलेबिलिटी आप हासिल कर सकते हैं, और शार्डिंग का मैकेनिज़म यूज़ किया हुआ है। तो शार्डिंग के ऊपर बड़ा लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ शार्डिंग? शार्डिंग जो होता है वो आपका जो डेटा होता है उसकी पार्टीशनिंग का नाम है, यानी कि आपका डेटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीक्वल सर्वर की बात करें या माई सीक्वल की बात करें, तो आपके पास एक डेटाबेस होती है और उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार वो एक डेटाबेस में स्टोर ना करो बल्कि कई डेटाबेसिस के अंदर डेटा स्टोर करो, तो आप अपने डेटा को पार्टीशन करने की बात कर रहे हैं। तो डेटा पार्टीशन की जब हम बात करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स
आर्किटेक्चर है, क्योंकि उसके अंदर आपको डेटा कहाँ तक किस डीबी में रखना है, कहाँ तक दूसरी डीबी में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख कस्टमर हैं, तो आपने कहा यार 10-10 हज़ार करके जो है ना मैं सेव करूँगा, 1 डीबी में 10 हज़ार, दूसरी में 10 हज़ार, तीसरी में 10 हज़ार। तो ये डेटा, कौन सा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, किस तरह वो डेटा रेप्लिकेट हो रहा है, किस तरीके से उसका डेटा क्लोन हो रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम है, जिसमें से एक एल्गोरिथम शार्डिंग भी है। तो शार्डिंग आपके डेटा को पार्टीशन करके रख रहा होता है और इसकी कॉपियां बना रहा होता है। यही अगर आप सर्च करें, मुख्तलिफ़ किस्म की डेटाबेसेस हैं वो ये चीज़ सपोर्ट कर रही होती हैं, जैसे कैसेंड्रा है, वो एग्जैक्टली इसी तरह काम कर रही होती है, वो भी डेटा पार्टीशन करके रख रही होती है। वो भी इंस्टॉलेशन के दरमियान आपसे पूछ लेती है कि आपने इसको कितनी नोड्स के ऊपर इंस्टॉल करना है, फिर वो अगर कोई एक नोड आपकी डाउन भी हो जाती है तो वो पीछे से किसी दूसरी नोड के अंदर डेटा डाल देती है, और जब वो पुरानी नोड अप हो जाती है वो उसको डेटा को सिंक भी कर लेती है। तो सिंक भी डेटा कर रही होती है, रेप्लिकेट भी कर रही होती है, हाई अवेलेबिलिटी भी दे रही होती है, और उसके पता होता है कि मैंने कहाँ तक डेटा कितना स्टोर करना है और फिर कहाँ तक दूसरा डेटा स्टोर करना है। अब जब आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये डेटा दो, तो खुद ही एल्गोरिथम लगा के चेक करती है कि ये मेरी किस नोड पे पड़ा हुआ होगा, और फिर इस तरीके से ये काम कर रही होती है। तो ये एग्जैक्टली यही आर्किटेक्चर रेडिस में भी है, और इसमें रेडिस के अंदर जो है वो इससे आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर आपको मिलेगी मल्टीपल नोड्स मल्टीपल कोर्स के ऊपर। उसके अलावा ये जो रेडिस का एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, इसके अंदर आपको पास वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर और नोड वो पूरा आपको दिया हुआ होता है। तो आप अगर उसको सेटअप करेंगे उसी हिसाब से तो आप वो पावर हासिल कर सकते हैं। ये वो आर्किटेक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा था, रेडिस एंटरप्राइज क्लस्टर आर्किटेक्चर। इसमें इन्होंने 4 टाइप दी हुई है। पहली टाइप है सिंपल डेटाबेस, जिसके अंदर आप एक सिंपल रेडिस की डेटाबेस मिल जाती है, और जैसे कि डायग्राम वन में आपको नज़र आ रहा होगा। और जो दूसरी है हाई अवेलेबिलिटी, उसमें क्या होता है, सिंपली एक प्राइमरी और एक रेप्लिका, रेप्लिका उसका कॉपी बना रही होती है, ठीक है। तो जितना डेटा प्राइमरी में होता है रेप्लिका उसका डेटा अपने पास बनाती रहती है, कॉपी करती रहती है। तो अगर मास्टर या प्राइमरी नोड चलेगी तो रेप्लिका नोड से आपको डेटा मिल जाएगा, और इसी तरीके से रेप्लिका चलेगी तो प्राइमरी में मिल जाएगा। लेकिन जो भी डेटाबेस थोड़ी देर के लिए डाउन होगी, जब वो अप होगी तो वो अपने आप को सिंक कर लेगी, आइदर प्राइमरी से रेप्लिका से कर लेगी या रेप्लिका प्राइमरी से कर लेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है अगर आप सिंपल एक वो रखना चाहें। उसके अलावा क्लस्टर, क्लस्टर में क्या होता है कि बहुत सारी प्राइमरी डेटाबेसेस आपस में भी कनेक्टेड होती हैं और उनके अंदर डेटा रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो ये आप क्लस्टर में देख लीजिए, क्लस्टर डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारी डेटाबेसेस होती हैं, प्राइमरी शार्ड्स होती हैं और वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, और उसको यानी कि उनके जो डिफरेंट हैश स्लॉट्स कहलाते हैं जिसमें वो डेटा स्टोर हो रहा होता है। और फिर इसी तरीके से हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर डेटाबेस अगर चाहिए तो एग्जैक्टली हर क्लस्टर डेटाबेस के प्राइमरी के साथ एक उसका रेप्लिका भी होगा। तो ये चारों आर्किटेक्चर है जो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं रेडिस के अंदर, और इसको आपको एक दफ़ा कन्फिगर करना है, और फिर उसके बाद आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इसको इंजेक्ट करें और ये काम होगा। और इसमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन सिर्फ एक ही डीबी के साथ आप कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा उसमें कोई मल्टीपल नोड्स नहीं होंगे, बल्कि उसमें मल्टीपल पोर्ट नहीं होंगे, बल्कि एक ही पोर्ट होगी। पीछे वो खुद ही मैनेज कर रही होगी कि वो डेटा उसने किस सर्वर की किस पोर्ट से लेकर आना है। तो ये एक बेनिफिट है। जैसे अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब हम कैशिंग की बात करते हैं तो कैश किसी भी सर्वर पर बनती है। तो अगर मेरा कोई क्लाइंट है, चाहे मोबाइल हो चाहे वेब हो, तो अगर मेरे कैशिंग अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा। लेकिन जब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस तरह अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है कि वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर मेरे डेटा है, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि कभी, क्योंकि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कभी मैं सर्वर 2 से कनेक्टेड होऊंगा, कभी 3 से होऊंगा, या इंटरनल बिहेवियर होगा जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा, वो सर्वर जो है अवेलेबल नहीं होगा, तो मेरी कैश कहाँ बनेगी? ठीक है, लेट्स सपोज मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ सर्वर 1 के साथ, थोड़ी देर के बाद मैं फिर ऑर्डर पेज पे गया तो वहाँ पर मेरा सर्वर 2 के साथ कनेक्शन हो गया, और फिर सिमिलरली इसी तरह सर्वर 3 पे, तो मेरी कैश कहाँ मेंटेन हो रही होगी? क्योंकि मैं तो हर लेवल पे कैश कर रहा हूँ, तो कहीं इधर बन रही होगी, कभी इधर बन रही होगी, इधर बन रही होगी, और तो ये एक बिल्कुल पुअर मैकेनिज़्म हो जाएगा।
तो क्या, तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि कैश कहाँ बनेगी, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, तो अगर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र आ गए और आपने कैश का मैकेनिज्म लगा दिया तो फिर सोचें आप, तो हर यूज़र के हिसाब से एक वो कैश का एक टेबल बन रहा होगा, तो इससे लोड सर्वर पे पड़ जाएगा, तो जो बेनिफिट आप ऑप्टिमाइजेशन का हासिल करना चाह रहे थे उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये आया कि आप क्यों ना रेडिस इंस्टॉल कर लें, रेडिस एक स्टैंड अलाउन जो है वो एक सर्वर पे इंस्टॉल कर लें और उसका कनेक्शन आप बना लें अपने क्लाइंट के साथ। तो क्लाइंट जैसे ही डाटा फेच करके सर्वर से लेकर आए, आप रेडिस में उसको दिलवा दें और फिर हर दफ़ा सर्वर का जो कनेक्शन है उसको डिस्टर्ब करके रेडिस से कनेक्ट कर लें। तो ये रेडिस है, तो रेडिस करती इन मेमोरी है, फास्ट है, और लेकिन पीछे डेटा को प्रोसेस भी कर रही होती है, जबकि मैम कैशे है या और दूसरी किस्म की डेटाबेसेस होती हैं बेसिकली वो फिज़िकली स्टोरेज नहीं कर रही होती। तो सर्वर अगर रिस्टार्ट हुआ या डम हो गया तो वो फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रेडिस इस तरीके से काम करती है कि वो इन मेमोरी भी होती है और साथ साथ वो डेटा को प्रोसेस भी कर रही होती है, आपने सिर्फ उसका एक कनेक्शन बनाना है। चले अब देखते हैं, एक प्रोग्राम देख लेते हैं जावा का जिसके अंदर हमने ये सेटअप किया हुआ है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो जावा में हमने बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने एक यूज़र का टेबल बनाया हुआ है। तो यूज़र के टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, हमने पीछे जो डेटाबेस लगाई हुई है वो माई एसक्यूएल लगाई है, वर्कबेंच आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूज़र सर्विस हमने बनाई हुई है, रिपोजिटरी लेयर बनाई हुई है हमने, ठीक है। तो रिपोजिटरी लेयर है, डेटाबेस लेयर है और ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है स्प्रिंग बूट रेडिस कैशे। तो इसमें देखें, अब यूज़र का टेबल है, इसके अंदर हमारे पास ये दो यूज़र पड़ेगा। तो अगर हम इसमें जाएँ यूज़र कंट्रोलर पे, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रेडिस को हमने इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास मैक है तो मैक के ज़रिए से आपका होम प्रीव्यू इंस्टॉल और फिर रेडिस आप लिखते हैं, फिर रेडिस की सर्विसेज आपने स्टार्ट करनी होंगी, ठीक है। तो ये आपने उसकी कमांड्स वगैरह चला के चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो प्रीव्यू सर्विसेज लिस्ट, तो वो आपको दिखा भी देगा कि भाई रेडिस आपके पास इंस्टॉल्ड है और रनिंग है में है या नहीं है। तो जैसे मेरे पास ये रेडिस स्टार्टेड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टार्ट नहीं है तो फिर रेडिस की जो स्टार्ट की कमांड है वो चला दें आप, उससे क्या होगा कि ये सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसको स्टार्ट करना ज़रूरी है। जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कुछ कन्फिग्रेशन है, जैसे मैं ग्रेडल यूज़ कर रहा हूँ तो ग्रेडल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा रेडिस आपने यूज़ करनी पड़ेगी, बाकी आपका स्प्रिंग बूट का जैसे ही प्रोजेक्ट है। उसके अलावा इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें आप लिखेंगे कैश टाइप इज इक्वल टू रेडिस, और रेडिस होस्ट का है, अगर आपने उसको इसी मशीन पे किया तो लोकल होस्ट, और उसकी जो पोर्ट होती है 6379 है, ठीक है। सिर्फ ये इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कैश करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हो कि जब भी मेरे पास गेट यूज़र को हम सर्च करें तो कैशेबल हो, यानी कि यूज़र उसके नाम से एक की बना दी हमने यूज़र के नाम से और आईडी उसकी जो है ना उसकी बेस पे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूज़र वन कहा यूज़र टू कहा, तो जब जो जो यूज़र मैं कहता जाऊँगा उसकी ये कैश बनाता रहेगा। तो अगली दफ़ा फिर मैं दोबारा वन कहूँगा तो फिर कैश से लाएगा, टू कहूँगा दोबारा कैश से लाएगा, थ्री कहूँगा तो फिर डीबी से लाएगा और कैश में रख लेगा, फिर थ्री कहूँगा तो फिर कैश से लेकर आएगा। इस तरीके से ये सिर्फ एक लाइन लिखने से ये डेटा अपने पास कैश कर लेगा और कुछ भी कोई इफ़ विफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको डेटा को अपडेट भी करवाना है तो आप कैश पुट यूज़ करेंगे और फिर वही की और फिर वही आईडी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वो आईडी मिल रही होगी, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा कि जो जो आपकी इस वाले आपके पास जो कैश का वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू इस आईडी के अगेंस्ट अपडेट भी कर रहा होगा, तो अब जो डेटा इसको यहाँ से मिल रहा होगा ये उसको अपने पास सेव कर रहा होगा, तो ये हमारे पास एक एंटिटी है प्रॉपर, उसको यहाँ सेव कर रहा होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि रेडिस में क्या, तो उसका क्लाइंट को इंस्टॉल कर लें, उसका कनेक्शन बना लें और फिर चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो अभी इसको हम प्रोजेक्ट को चलाते हैं और इसको चला के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सिर्फ दो लाइनें छोटी सी आपने डाली हैं और कैशिंग का मैकेनिज़्म चलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो यूज़र हैं, एक में आखिर में 56 लिखा है, एक में सिंपल लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं गेट यूज़र, ठीक है, जैसे ही हमने कहा गेट यूज़र तो ये देखें ये यूज़र हमारा आ गया, ठीक है। और ये जब हमने फेच भी किया तो अब ये कैश में भी आ गया, तो अब ये जो डेटा जो आ रहा है ये कैश से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं डीबी में जाता हूँ
और फिर मैं जाके इसकी वैल्यू को 56 को फॉर एग्ज़ाम्पल 22 कर देता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब डीबी में मेरे पास 22 हो चुका है, लेकिन चूंकि मैं उसे एक दफ़ा कैश कर चुका हूँ तो अब वो मुझे 56 ही देगा। क्यों? क्योंकि ये कैश हुआ हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसी यूज़र को अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ पर लेट सपोज़ कि मैंने कह दिया 45 और फिर मैंने कहा कि तुम इसको अपडेट कर दो। तो जैसे ही मैंने इसको 45 करके अपडेट करा, पुट किया, तो इसने अपने पास 56 ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पुट के ऊपर लगाया हुआ है, कैसे पुट के ऊपर लगाया हुआ है, बिल्कुल लगाया हुआ है। तो ये अब हम चेक कर लेते हैं कि डीबी में क्या पड़ा हुआ है। डीबी में हम चेक कर लेते हैं तो डीबी में हमें 56 आ रहा है। इसका मतलब है ये हमने, ओके सही है, मैंने इसे यूज़र नेम पे दे दिया, तो 56 बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ हमने 56 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अगर यूँ कर देंगे और पुट करेंगे तो ये अब देखें 44 भी हो गया, यहाँ पर भी चला गया और कैश में भी चला गया और डीबी में भी चला गया। तो मैंने अभी सिर्फ ईमेल पे काम किया है, तो इसी तरीके से बाकी फील्ड को भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कैश पुट काम करेगा, इसी तरीके से कैश गेट काम करेगा, और आप इसको सेफ पे भी लगा सकते हैं, पुट पे भी लगा सकते हैं, न्यू यूज़र सेफ पे भी लगा सकते हैं, गेट ऑल पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका कैशिंग का मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। लाइट वेट है, देखिए 1.19 मिली सेकेंड लिया है इसने। ठीक है, तो ये कम टाइम के अंदर बहुत फास्टली काम करेगा, और जब आपके पास लोड ज़्यादा होगा, डेटा ज़्यादा होगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ये कोड सोर्स कोड अवेलेबल है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।